Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच कक्षा दसवीं के पार्ट पांच तत्वों का अवर्त वर्गीकरण, इसके द मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी कवर किया है, सो आप सभी इसको ध्यान से समझिएगा। So let's start our first question. हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो यहां हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है Na सोडियम, दूसरा Mg है मैग्नीशियम, तीसरा Si क्या है सिलिकॉन, और चौथा Ni क्या है नियॉन। हमें देखना है कि इन चारों में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है वो जादुई संख्याओं पर आधारित है। और क्या होता है जादुई संख्याएं? हमारे पास याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका मतलब पहले कोश में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौथे में 18 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पांचवे में फिर 18, छठे में 32 और सातवें में 32। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को कोशों में रख सकते हैं। तो अब जरा देखेंगे कि इन सब में से किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है। तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम। हम जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, 11। यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। अब जरा देखिएगा, मैंने ई माइनस लिखा है। ई माइनस मतलब ई तो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है और माइनस मतलब ऋणावेश। इसका मतलब सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा या इलेक्ट्रॉन विन्यास? हम जानते हैं कुल 11 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोश में ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं, 2। तो हमने 2 रख दिया। अब बाकी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। दूसरे में ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं, 8। हमने 8 रख दिया। अब बैलेंस हमारे पास कितना बच गया, 1। तो तीसरे में हम क्या रखेंगे, 1। पहले कोश का नाम होता है K, दूसरे का L, तीसरे का M। इसका मतलब K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 और M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाए मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन्स भी 12। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका क्या होगा, 282। ऐसे ही इसी तरह से सिलिकॉन है, परमाणु संख्या 14, इलेक्ट्रॉन्स 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसी तरह से 284। अगला है नियोन, नियोन की परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉन है 10। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, 28। तो अब जरा देखिएगा इनमें से 282 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, आप देख रहे हैं वो किसका है, मैग्नीशियम का। सो मैग्नीशियम इज अवर राइट आंसर, सो Mg हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जादुई संख्या पर आधारित है और जादुई संख्या क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? यह क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट बी में पूछा गया है। हमने पढ़ा है मेंडलीफ का आवर्त नियम। क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम, कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, और मेंडलीफ ने इस नियम के आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उन्होंने उसका नाम क्या रखा, समूह, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनका नाम क्या रखा, आवर्त। यदि बात करके चले कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं, आप यहां ऑप्शन देखेंगे 18, 16, 8 और 6। तो याद रखिएगा कि 18 समूह जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं, वो है 8। सो 8 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है, तत्व एम MCl3 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, आवर्त सारणी में यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये क्वेश्चन HBSC 2019 में सेट डी में पूछा गया है।
तो आपको बताना क्या है कि इनमें से कोई ऐसा तत्व है, चार ऑप्शन है, सिलिकॉन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। जो तत्व एम है वो MCl3 सूत्र वाला एक यौगिक बनाता है। तो आवर्त सारणी में यह तत्व निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई तत्व MCl3 यौगिक बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पर पहले M की संयोजकता निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, हमने यौगिकों के सूत्र बनाने सीखे हैं। हम कैसे बनाते हैं, ये लिया M, ये है Cl, यहां क्या होता है संयोजकता। हमें नहीं पता कि इस समय इसकी संयोजकता क्या है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं H, और Cl के क्या होती है 1। फिर क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, M के नीचे क्या जाएगा ये 1, और H Cl के नीचे क्या जाएगा H, यानी कि M1 Cl H। अब जरा चेक कीजिए कि यौगिक कौन सा बन रहा है, MCl3। तो देखिए M1 है, यहां भी क्या है 1, यहां Cl क्या है H, यहां Cl क्या है 3। इसका मतलब H का मान कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब तत्व M की जो संयोजकता है वो कितनी है 3। ध्यान से इसे समझिएगा, इस तरह से हमने तत्व की संयोजकता निकाली है पहले कि MCl3 है। अब हम मान लिया, हम यहां देख भी रहे हैं कि यह है जो यौगिक है MCl3, दो तत्वों से बना है, एक M और एक Cl। पहले हमने M लिख लिया और Cl। हमें इस समय ये नहीं पता कि किस तत्व की क्या संयोजकता है। हमने एज्यूम किया कि M की संयोजकता क्या है H है, और Cl की क्या होती है 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आर पर गुना, तो M के नीचे क्या जाएगा 1, Cl के नीचे जाएगा H, यानी कि यौगिक का सूत्र क्या बनना चाहिए, M1 Cl H। अब इस सूत्र की तुलना दिए गए सूत्र से यदि हम करते हैं, तो देखिए M1 दोनों जहां है, लेकिन Cl में A जहां H है, A जहां क्या है 3। इसका मतलब H का मान कितना है 3, और H का मान यदि 3 है, तो इसका मतलब M तत्व की संयोजकता क्या है, वो 3 है। अब हमें यह देखना है कि इनमें से किस तत्व की संयोजकता 3 है, वो हमारा आंसर होगा। तो जरा देखिएगा हम कैसे करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब जरा देखिए, हमें यह देखना है कि M तत्व की संयोजकता 3 किसमें है। तो सबसे पहले देखते हैं SI। SI क्या है, सिलिकॉन। परमाणु संख्या क्या है, 14। अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे, इसमें कितने हैं, 14। वितरण क्या होगा इसका, 2, 8, 4। अब आप देख रहे हैं बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और संयोजकता है वो भी क्या होगी यहां पर, 4। अगला है Ne की परमाणु संख्या क्या है, 11। इलेक्ट्रॉन्स है 11, विन्यास है 2, 8, 1। इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और इसकी संयोजकता है वो भी कितनी है, 1 है। आप देखते हैं Al, एल्यूमिनियम, परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13। इनका वितरण क्या होगा, 2, 8, 3। बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इसकी संयोजकता वो भी क्या होगी, 3। अब एक है हमारे पास Mg, इसे हम थोड़ा सा यहां ऊपर रब करके लिखते देखते हैं, या मैं थोड़ा रब करता हूं। अब Mg है, Mg की परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, वितरण क्या होगा, 2, 8, 2। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और संयोजकता है वो भी कितनी होगी, यहां 2। अब हमें देखना है इन चारों तत्वों में से, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम और Mg में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। तो आपने देखा संयोजकता 3 किसकी है, एल्यूमिनियम की। सो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है, जब वो क्लोरीन साथ मिलेगा तो वो MCl3 सूत्र वाला यौगिक बनाएगा, और उसका सूत्र क्या होगा, AlCl3। ठीक है, तो इसका मतलब Al क्या है, हमारा राइट आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट तत्व HCl, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास संयोजकता के बेस पर हमें तत्व को पहचानना होता है, इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है,
अवर सारणी में यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जैसे हमने ऊपर MCl3 में M के संयोजकता निकाली है, सेम वैसे जब हम इस HCl2 में तत्व H के संयोजकता निकालेंगे तो उसी तरह से निकालनी है, और वह कितनी निकल के आएगी यहां पर 2, सेम वैसे आएगी। अब हमें देखना है इनमें से किस तत्व की संयोजकता 2 है, तो जरा चेक करेंगे। सबसे पहले सोडियम है, ऊपर आपने देखा ये है सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, इनका यदि विन्यास देखें तो क्या होगा 2 8 1, यानी कि सोडियम की संयोजकता कितनी है हमारे पास 1 है। Mg आप देख सकते हैं Mg ऊपर है भी है, उसकी संयोजकता कितनी है 2। सिलिकॉन ऊपर आया है हमारे पास, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है 4, और एल्यूमिनियम तत्व की संयोजकता कितनी है 3। और अब हमें क्या देखना है कि तत्व H की संयोजकता कितनी होनी चाहिए 2, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता 2 है, तो 2 किसकी है, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज अवर राइट आंसर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन HBSE 2017 में सेट सी में, 2019 में सेट बी में, और ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। तो आप देख सकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तत्व में कुल 2 कोश है और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें कुल 2 कोश है और उसके संयोजकता कोश कौन सा होता है, बाह्य कोश, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। यह क्वेश्चन HBSE 2018 में सेट डी में ये पूछा गया है, और ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में भी है। तो अब हमें ये देखना है कि इन सभी तत्वों में से किसमें 2 कोश है और बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला है बोरोन, परमाणु संख्या 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और इसका विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कोश में 2, दूसरे में 3। अगला है कार्बन, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 2 4। अगला है नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 5। अगला है ओ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स है 8, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 6। अब आप देख रहे हैं इन सब के अंदर हमारे पास कुल 2 कोश हैं, के और एल, लेकिन 2 कोश तो सभी में है, लेकिन आपको दूसरी कंडीशन क्या कही है, संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होना, यानी कि बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन किस में है। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोरोन जो है उसमें बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन जो है हमारा वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये HBSE 2017 सेट डी में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास 8 32 18 और 10। तो मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है वो किस पर आधारित है, जादुई संख्याओं पर, और जादुई संख्या क्या है हमारे पास, 2 8 8 18 18 32 32। इसका मतलब पहला कोश जिसे हम क्या बोलते हैं, के कोश, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश एल कोश उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगला कोश एम कोश उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, अगला कोश एन कोश उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलता है हमारे पास, ठीक है, वो हो जाता है आगे कुछ भी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एम कोश, तो आप देखिएगा एम कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8, तो हमारे पास 8 जो है दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तत्व एम MCl4 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, अवर सारणी में यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यह क्वेश्चन HBSE 2019 में सेट सी में पूछा गया है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आपको ये देखना है इन चारों में से वो तत्व कौन सा होगा,
तो सबसे पहले जैसे हमने पहले भी एम तत्व एच तत्व उनकी संयोजकता निकाली है किसी भी यौगिक के अंदर, तो वही सेम पैटर्न से हम चलेंगे। तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास उसी तरह से हम देखेंगे तो जो तत्व एम है उसकी संयोजकता निकल के आएगी यहां पर 4। तो हमें देखना है इनमें से संयोजकता 4 कौन से तत्व की है। तो सबसे पहला सिलिकॉन है, परमाणु संख्या 14, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स 14, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2, 8, 4, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या होगी हमारे पास 4। सोडियम में देखें तो इसी तरह से निकालेंगे, सोडियम की संयोजकता 1 आएगी, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं संयोजकता निकालना। तो हमें देखना है किस तत्व की संयोजकता 4 आ रही है और किसकी है सिलिकॉन, सो सिलिकॉन इज अवर राइट आंसर। ये बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तत्व में कुल 2 कोश हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, यानी कि पूरित का मतलब क्या है, दोनों कोश में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो हम जानते हैं कुल 2 कोश होना और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित होना, इसका मतलब जादुई संख्याओं के हिसाब से कोश पूरा होना चाहिए। तो आप जानते हैं जादुई संख्या क्या है, हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसका मतलब कुल 2 कोश होना, पहला कोश के दूसरा एल, यानी कि यहां तक हमें पूरा भरना है। तो आप देखिए तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले में 2 रखते हो दूसरे में 8, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 10। इसका मतलब जिस तत्व की परमाणु संख्या 10 होगी उसमें कुल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और उनको जब रखेंगे तो दोनों कोश पूरी तरह से भरे होंगे। तो अब जरा देखना है कि इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 10 है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है 1। बोरोन है, इसकी परमाणु संख्या क्या है 5। हीलियम है, इसकी परमाणु संख्या क्या है 2। और एनी क्या है, नियोन, इसकी परमाणु संख्या क्या है 10। तो नियोन की परमाणु संख्या 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, और इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखें तो क्या होगा 2, 8, यानी कि KL। पहले कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 आते हैं वो भी पूरा भरा हुआ है, और दूसरे कोष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी पूरा भरा हुआ है, इसमें ये दोनों कोष इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरे हुए हैं। सो ये नियोन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। ध्यान से समझेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनमें से आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस तत्व में दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब पहले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे में उससे डबल होने चाहिए। यह क्वेश्चन HBSE 2018 में सेट बी में पूछा गया है और यह पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर भी है। तो अब जरा देखिए, हमने जादुई संख्याएं तो पढ़ी है, ये सारा चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जादुई संख्याओं पर आधारित है। तो आप जानते हैं जादुई संख्याएं क्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसका मतलब पहले कोश में तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे, इसका मतलब पहले कोश में तो 2 होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है, दूसरे कोश में पहले से दुगने इलेक्ट्रॉन है। जब हम देख रहे हैं पहले कोश में 2 आ गए क्योंकि इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, और इसको बिना भरे हम आगे जा नहीं सकते, तो दूसरा कोश कौन सा है एल कोश, उसमें क्या है पहले से दुगने इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 4, यानी कि इसमें कितने होने चाहिए 4। अब जरा कुल इलेक्ट्रॉन गिने तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 + 4, 6, इसका हमें वो तत्व देखना है जिसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, या ये कहें जिस तत्व की परमाणु संख्या 6 है, तो वो हमारा आंसर होगा। जरा चेक करें, ऑक्सीजन पहला है ऑप्शन, परमाणु संख्या 8, विन्यास क्या है 2, 6, इसके इलेक्ट्रॉन 8 है और विन्यास क्या हो गया 2, 6। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉन 7 है और इसका विन्यास क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 5। फ्लोरीन है परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉन्स 9 होंगे और इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2, 7। और कार्बन है परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2, 4। तो देखिएगा जो कार्बन है
उसके अंदर पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में उससे दुगने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एल कोष में चार इलेक्ट्रॉन है। तो के कोष में दो, एल में चार, सो कार्बन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, निम्नलिखित में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। अब हमें ये देखना है कि कोई तत्व किस तत्व के साथ रासायनिक रूप से समान होगा, या ये कहेंगे कि एक जैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्राइटेरिया है सिनियोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। या ये कहेंगे सिनियोजी इलेक्ट्रॉन यदि बराबर है, या ये कहें तत्वों की संयोजकता यदि बराबर है, इसका मतलब उनके रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होंगे। तब हमें देखना है कि एक परमाणु है, हमें नहीं बताया गया है कि वो कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है हमारे पास 2, 8, 7। इसका मतलब उस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 बाह्य कोष में, और उस तत्व की संयोजकता कितनी है हमारे पास। हम जानते हैं जब भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटाते हैं, तो 8 - 7 क्या है, 1। तो हमें ये देखना है इनमें से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है और उसकी संयोजकता 1 है, वह रासायनिक रूप से या वह तत्व जो है इस दिए गए तत्व से रासायनिक रूप से समान होगा और उनमें समानता होगी। तब जरा चेक करें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, और विन्यास क्या होगा, 2, 5, यानी कि बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और हमें क्या चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, इसका मतलब हमें यहां नहीं देखना है। नेक्स्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। अब 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 7। तो आप देखिएगा फ्लोरीन के बाह्य कोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, और जो दिया गया परमाणु है उसके बाह्य कोष में भी क्या है, 7। इसका मतलब ये पॉइंट तो मिल गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब संयोजकता निकालेंगे, फ्लोरीन की संयोजकता देखिएगा, इसमें बाह्य कोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कैसे निकलेगी, 8 - 7 यानी कि 1। इसका मतलब फ्लोरीन की संयोजकता ही मैच कर रही है, इसका मतलब फ्लोरीन ने इन दोनों कंडीशन को पूरा किया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 7, संयोजकता भी 1, तो फ्लोरीन हो सकता है। लेकिन अभी हम और भी चेक करेंगे, मैं एक बार थोड़ा इसे रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस, फास्फोरस है पी, परमाणु संख्या 15, परमाणु संख्या 15 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15, और विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5, तो इसके बाह्य कोष में 5, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 5 है, तो आगे हम मूव ही नहीं करेंगे क्योंकि संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कर रही है। नेक्स्ट है AR, AR क्या है, आर्गन, परमाणु संख्या 18, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 18, और विन्यास क्या होगा, 2, 8, 8, तो बाह्य कोष में 8। तो आपने देखा इनमें से कौन सा ऐसा तत्व था जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इस दिए गए तत्व से मैच कर रही थी, तो वो कौन सा था, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक रूप से समान कब होगा, जब उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस तत्व उन तत्वों की संयोजकता दोनों बराबर होंगी, तभी वो रासायनिक रूप से समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। हमें देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कुल 3 कोष हैं और संयोजकता कोष यानी कि बाह्य कोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। यह क्वेश्चन HBSC 2018 में सेट सी में पूछा गया है, और साथ ही साथ ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। तो वही सेम केस, हमें सबसे पहले ये देखना है जादुई संख्याओं के हिसाब से इनमें से हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले देखिए, सिलिकॉन है, परमाणु संख्या 14 है, परमाणु संख्या 14 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 4, यानी कि पहला कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एल में 8, तीसरा एम में 4, अगला है एल्युमिनियम 13, इलेक्ट्रॉन्स 13, तो इसका विन्यास क्या है, 2, 8, 3, अगला मैग्नीशियम है 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, और इसका विन्यास क्या होगा, 2, 8, 2, और अगला है सोडियम,
परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन्स 11 और इसका विन्यास क्या है 2, 8, 1। तो आप देख रहे हैं यहां पर तीनों ही तत्वों में, सॉरी चारों तत्वों में ही कुल तीन तीन कोष हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सभी के ऊपर लग रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होना, यानी कि बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है। अब देखिए सिलिकॉन में 4 है, एल्युमिनियम में 3, मैग्नीशियम में 2, सोडियम में 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जा रहे हैं संयोजकता कोष में, वो किसमें पाए जा रहे हैं यहां पर सिलिकॉन में। सो सिलिकॉन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया, चलो फिर कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा करते हैं कि किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है दूसरे में उससे डबल। HPSC 2018 सेट बी में पूछा गया है, साथ साथ टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। 4 तत्व दिए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन। हमें देखना है कि किस तत्व में दूसरे कोष में पहले से दुगने इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं पहला कोष क्या होता है, के कोष, दूसरा क्या है, एल। और हम ये भी जानते हैं कि जब तक पहला कोष पूरा नहीं भरेगा तब तक हम दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। और इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि पहले कोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसका यदि हमने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो दूसरे कोष में उससे दुगने की बात करें तो दुगने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें यहाँ, 4। इसका मतलब 2 और 4। ऐसा विन्यास किसका होगा, तो यहां पर हम देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 2 पहले कोष में और 4 दूसरे में। तो 2 प्लस 4 कितना होगा, 6। इसका मतलब हमें वो तत्व देखना है जिसकी परमाणु संख्या 6 है, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा। अब देखेंगे इनमें से परमाणु संख्या 6 किसकी है, ऑक्सीजन की 8 है, नाइट्रोजन की 7 है, फ्लोरीन की 9 है और कार्बन की क्या है, 6। सो कार्बन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। इसका मतलब एम कोष जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे आप जरा ध्यान से देखिएगा, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो यह भी किस पर आधारित है, वही जादुई संख्याओं पर। तो आप जानते हैं जादुई संख्या क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका मतलब जादुई संख्याओं के आधार पर पहला कोष क्या है, के कोष, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरा कोष है एल कोष, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8। तीसरा एम कोष, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 8। चौथा है एन कोष, उसमें 18, फिर अगले में 18, फिर 32 और फिर 32। अब यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम कोष, तो आप देखेंगे एम कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 8। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 8, 32, 18 और 10। तो इनमें से 8 जो है ये क्या हमारा राइट आंसर है। दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी को सब क्लियर होगा। होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.